हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आयोजित कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनाव में जी जान लगा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है और सबको साथ लेकर चलने की आदत केवल कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सर्वधर्म संभाव की भावना, एकता और अखंडता हमारी जीत का प्रतीक है। इस राह में चुनौती तो है मगर जीत हमारी सुनिश्चित है। वहीं पीएम मोदी की रैली को लेकर किए गए सवाल पर हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब की बार मोदी सरकार को तड़ीपार होना है। पीएम मोदी को चाहिए कि वो अपने भाषण में मिलावट कम करें और जो किया है उसी को बताएं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अपने भाषण में मात्र 25% मिलावट ही करें तो चल जाएगा। इस बार जनता को क्या पसंद है वह खुद ही बता देगी। वहीं शहर में आयोजित रोजगार मेले को लेकर भी उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, अब तो है जाने की बेला। बहरहाल हरीश रावत अब फुल फॉर्म में नजर आने लगे हैं और यही उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ता में भी देखा जा रहा है। स्वराज आश्रम में हुई बैठक से साफ हो गया कि अब कांग्रेस के शीर्ष नेता भाजपा के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ने को तैयार हैं। नेता के रूप में आ रहे हैं, ये उनका अधिकार है, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ इस बार कम से कम अपनी अपने भाषण में वो मिलावट कम करेंगे, कुछ तो नहीं तो 50% गलत मिलावट रहती है उनके भाषणों में। इस बार हम उम्मीद करते हैं जो किया है कम से कम 75% वही बताएंगे, केवल 25% गलत बताएगी। अच्छा, भाजपा 60 बार की बात कर रही है, 60 सीटें भाजपा की उत्तराखंड में, नहीं मन की मैं बात नहीं है। मैं जो आपका मन कह रहा है, वोटर का मन कह रहा है कि भाजपाइयों तुम कह रहे हो 60 पार, तुम होने वाले हो इस बार तड़ी पार, क्योंकि तुमने महंगाई सर रोजगार मेला लगाया, सरकार ने रोजगार मेला लगाया एक तरफ, दूसरी तरफ एचपी के तमाम बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, और अब तो है जाने की वेला, क्यों खाली लोगों को ठगने का काम कर रहे हो।